हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, सब सभी का स्वागत आज के वीडियो में। गाइस हम देखने वाले हैं कि आप जर्सीज कैसे डाउनलोड कर सकते हो क्रिकेट 19 में। जो भी अपडेटेड जर्सीज है, जैसे कि अभी इंडियन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है तो नए जर्सीज आ चुके हैं, रेट्रो जर्सीज हैं, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप कोई भी दूसरे टीम्स जैसे न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान है, आयरलैंड है, कोई भी टीम ले लो, कोई भी टीम नेदरलैंड्स तक ले लो गाइस, सबके सब जर्सीज जो होते हैं क्रिकेट 19 में 2019 का वर्जन अपडेट हुआ गया है जब जैसे गेम होता है। तो गाइस ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस ध्यान रखिए कि आपको क्या करना रहेगा, क्या देखना रहेगा, बट उससे पहले आपको गेम डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप ये देखना चाहते हो। तो गेम डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको क्या करना होगा कि पहले ही मैंने इसका वीडियो डाल चुका हूँ मेरे चैनल पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा, तो आप क्लिक कर लेना वहां पर जाके। पहले गेम कैसे डाउनलोड करते हैं ये देख लो, गेम डाउनलोड कर लो पहले। गेम डाउनलोड करने के बाद ऐसा आपका गेम ओपन होगा तो जहां पे आपको दिखाई देगा एशेज सीरीज, वर्ल्ड चैंपियनशिप, करियर, सब कुछ। तो आपको क्या करना है गाइस, इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है अगर आपको टीम्स चाहिए। आपको कहीं से भी बाहर से डाउनलोड कर इसके डायरेक्टरीज में नहीं डालना है, इसमें आपको यहीं से डाउनलोड मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप वीडियो में आ जाते हो, तो मतलब जैसे ही आप गेम में आ जाते हो सॉरी, तो आप क्या करते हो, राइट में आपको जाना होगा। राइट में जाओगे तो आपको यहाँ पर सिनेरियो, कंपटीशन, टूर वगैरह, सेटिंग्स, ट्रेनिंग सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहा गाइस क्रिकेट एकेडमी का। तो क्रिकेट एकेडमी के ऑप्शन में आपको जाना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे, ऊपर आपको दिखाई देंगे डिजाइनर्स, क्रिएटर्स, कम्युनिटी। तो आपको यहाँ पर डिजाइनर्स में आप खुद का डिजाइन कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे। तो उसके अलावा आपको यहाँ पर क्रिएटर्स है, और क्रिएटर के यहाँ पर हमें कुछ काम नहीं है तो हम क्या करेंगे, कम्युनिटी में जाएंगे। तो कम्युनिटी में ही सारा कुछ, टीम्स जो है, अंपायर्स जो है, लोगोस या प्लेयर्स हो या बैट्स हो, सब कुछ हमें यहीं से मिलता है गाइस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाकर सेकेंड ऑप्शन जो है प्लेयर्स के पास वाला, टीम्स। तो टीम्स के ऑप्शन में आपको जाना रहेगा। जैसे आप टीम्स के ऑप्शन में चला जाते हो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आपको दिखाई देगा कि बिगिन सर्च, जेंडर, यूजर नेम, इंक्लूडिंग लोगोस, ये सब कुछ। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सेटिंग सिखाता हूँ, ध्यान से देख लेना। आपको कुछ भी अगर ज्यादा कुछ आपके मतलब ये सर्च टैब में ज्यादा इंक्लूडेड है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इतनी सी चीज आपको सिंपल करने की, इंक्लूडेड लोगोस में आपको यस करके रखना है। दूसरी चीज है ये सबको खाली रख दो, और सॉर्ट बाय रेटिंग ही आगे रखना। उसके बाद आपको रखना है मैक्स रिजल्ट 20, ठीक है। तो इतना आपको करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, डायरेक्ट ऊपर जाना है, यूजर नेम कंटेंट्स और टीम नेम कंटेंट्स, दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको जाना होगा टीम नेम कंटेंट्स में, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर क्या नाम एंटर कर सकते हो। तो पहली बात यह है कि हम भारतीय हैं तो हमारा भारत का टीम हम पहले चूज करेंगे गाइस। तो आपको क्या करना होगा, इंडिया लिखना होगा, INDIA, बस ज्यादा कुछ नहीं, कैपिटल में भी कुछ नहीं लिखा मैंने, मैंने सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में ही डाला है। इंडिया डालकर आपको एंटर करना होगा और फिर जाकर बिगिन सर्च में एंटर। तो बिगिन सर्च जैसे ही आप करते हो तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकता है ये कम्युनिटी टैब, जहां पर आपको पूरा लोड कर कर वो दिखाता है। जैसे कि मैं अभी जो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये लाइव टाइमिंग है, कुछ कट नहीं किया मैंने कि ये कितना टाइम ले रहा है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड होता है, आपका भी इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड होता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो थोड़ा और टाइम लेगा, थोड़ा फास्ट आएगा था अगर, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो जल्दी आ सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट रहे ताकि वो लोडिंग टाइम फिर से मतलब फिर जाके ये मतलब कैंसिल ना हो जाए। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर ऐसे टीम्स आपको शुरू हो जाएंगे, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सारा इंडिया का टीम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुंबई इंडियंस भी आ चुके हैं, ये IPL की टीम है गाइस। IPL की टीम के अभी तो फिलहाल IPL हम लोग कोई देख नहीं रहे, तो चलिए IPL के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इंडियन टीम्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक सेकंड गाइस, मैं एक और बात सर्च कर रहा हूँ क्योंकि वो वापस आ गया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन देखना है। आप जैसे ही जैसा मैंने ये स्टेप्स फॉलो किया, आप भी यही स्टेप्स फॉलो करो ताकि आपको भी यही एग्जैक्ट नाम दिखाई दे, यही एग्जैक्ट ऑप्शंस आपको दिखाई दे, ताकि आप मेरा वीडियो एक टैब पर चलाते हुए आप भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो कि क्या होने वाला है। आपने समझो मेरा वीडियो फोन पर लगा दिया और आप कंप्यूटर में आपका यहाँ पर चेक कर रहे हो, तो आपको भी इजी रहेगा, जल्द से जल्द पॉइंट करके आप भी गेम खेल सकते हो। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपको पहले लाइन में ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 80, इंडिया का 81 81 और 80। ये जो 80 आप देख रहे हो ना, यहाँ से फोर्थ वाला ऑप्शन जिसका सबमिटेड बाय नाम आप देख सकते हो यहाँ पर, वेस्ट योर कुछ है, तो उस नाम पर आपको जाकर देखना होगा। ये 80 में मुझे लगता है कि यहीं पर रहना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको मिल जाएगा डाउनलोड,
रेटिंग, आइडेंटिटी, रिपोर्ट, यूनिफॉर्म्स और रोस्टर। तो गाइस आपको पहले क्या करना है, यूनिफॉर्म्स में जाना है। यूनिफॉर्म्स में जैसे ही जाते हो आपको यहाँ पर ऐसे यूनिफॉर्म्स का टैब खुल जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देखो हमारे जो है बंदे यहाँ पर विराट कोहली खड़े हैं। तो विराट कोहली का आप जर्सी देख सकते हो, बाइजूस इंडिया का जर्सी लगा है, ये जो इंडिया का करंट जर्सी है। तो इसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आप जाओ तो ओडीआई अवे का जर्सी मिलेगा, जो इंडिया अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा है जर्सी को। T20 में आप जाते हो तो T20 जर्सी इंडिया की मिल जाएगी, बाइजूस ओडीआई न्यू। तो ये रहा गाइस हमारा रेट्रो जर्सी। तो ये रेट्रो जर्सी की ही तो बात होने वाली है इस वीडियो में। तो ये रेट्रो जर्सी जो है तो यहाँ पर आपको एमपीएल का मतलब यहाँ पर आपको साइन टैप भी मिल जाएगा, एमपीएल का स्पॉन्सरशिप, और यहाँ पर देखो पूरा जर्सी आपको रेट्रो किट ही यहाँ पर मिल रहा है गाइस। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो टेस्ट मैच का भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बाइजूस एमपीएल का, तो यही जो फिलहाल यही टेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में यही यूज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बैक जा सकते हो, यहाँ पर एक बार आपने चेक कर लिया यही सही जर्सी है तो बैक जाओ और सीधा यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करो। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वुड यू लाइक टू डाउनलोड द टीम विथ और विदाउट लोगोस। तो आपको करना है डाउनलोड विथ लोगोस, विदाउट लोगोस पर मत जाना, विथ लोगोस पर जाना। जैसे आप वहां पर जाते हो ऐसे डाउनलोडिंग डेटा दिखाएगा और आपको यहाँ ये मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है, तो एक सेकेंड यहाँ पर मैं फिर से डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मेरा ऑलरेडी इस पर है ये, मतलब यही सेम जर्सी मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर नो क्लिक करूंगा, मतलब मेरा वापस आ जाएगा, या फिर मैं फिर से देखिए आपको बता रहा है कि आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है आपको। अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यस पर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बता रहा है कि यू ऑलरेडी हैव अ करंट बेस वर्जन ऑफ अजिंक्य रहाणे सेव लोकली, हाउ डू यू लाइक टू प्रोसीड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस, हर प्लेयर का हर अलग स्टैट्स होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है रिप्लेस करंट विथ न्यू, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर जाकर आपको वाई पर क्लिक करना है। यहाँ देख रहे हो आप वाई ऑप्शन, वाई जो है जॉयस्टिक पर आपका वाई हो सकता है या जो भी येल्लो बटन होगा जॉयस्टिक के राइट साइड में आपको। मैं तो एक्सबॉक्स का कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ तो मुझे वाई ऑप्शन बता रहा है। अगर आप पीएस यूज कर रहे हो, प्ले स्टेशन कंट्रोल यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको अलग ऑप्शन रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां पर ओ मिल सकता है, आई मीन बॉक्स मिल सकता है, राइट? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट वही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप वही क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, ताकि आपको सारे प्लेयर्स के यहीं पर हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं अगर वही क्लिक करूं तो सारे प्लेयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद आपका टीम अपडेट हो जाएगा गाइस। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अभी मैं बैक जा रहा हूं बट लेकिन आपको यहाँ पर ये ऑप्शन तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो गाइस जैसे ही आप वो डाउनलोड खत्म कर जाते हो तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाता है, तो आपको ऐसे ही पेज में आप एंड हो जाओगे फिर से कि डाउनलोड रेट वगैरह। तो आप टेंशन मत लेना, आपका टीम ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। तो आप वापसी बैक जा सकते हो, आप बैक जाकर यहाँ पर फिर से टीम नेम कंटेंट्स में आकर यहाँ पर आप दूसरे टीम्स के नाम डाल सकते, जैसे हुआ न्यूजीलैंड और फिर हम ट्राई करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर मैंने ट्राई किया यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया को भी मैं यहाँ पर सेम सिर्फ नाम डालकर जाकर बिगिन सर्च कर रहा हूँ, तो ताकि ऑस्ट्रेलिया के टीम्स का भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे तो सारे अपडेट्स होंगे क्योंकि मैं रेगुलर खेलता हूँ, तो यहाँ पर मुझे फिर से अपडेट नहीं करना होगा। बट आपको तो मैंने ऑप्शन दिखा दिया है कि आप कैसे कर सकते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम का आप कैसे कर सकते हो। ऐसे ही आप अगर नाम सर्च करोगे न्यूजीलैंड हो या फिर वेस्ट इंडीज हो, तो जैसे ही देखोगे यहाँ पर आ गया है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको कहाँ जाना है, मुझे लगता है कि ये 82 यहाँ से फिर से सबमिटेड बाय वेस्ट योर यू कुछ नाम है, तो फिर से 82 वाला ऑप्शन यहाँ से फिफ्थ वाला है, फर्स्ट से 1 2 3 4 और फिफ्थ फिफ्थ ऑप्शन में हम एक क्लिक करेंगे और यूनिफॉर्म्स फिर से जाएंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट चेक करेंगे ओडीआई अल्टरनेट या इनका T20 का न्यू जर्सी। अगर ये जो नया जर्सी है तो मुझे लगता है कि ये नया वाला नहीं है, एक सेकेंड में फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं गाइस ये तो नया वाला जर्सी नहीं है। तो हम बैक जाएंगे फिर से दूसरे वाले में चेक करेंगे, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ इनका 84 में कुछ अगर नया जर्सी आया है जी। तो मुझे लगता है कि यही हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के न्यू जर्सी, यहाँ पर रेट्रो T20 का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। अगर ये रेट्रो T20 जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर रेट्रो T20 का ये जो जर्सी है ऑस्ट्रेलिया का, एरोन फिंच यहाँ पर पहनकर खड़े हैं भाई अपने। तो देखिए ये वाला है ये जो डाउनलोड हमें करना होगा। तो ये रहा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का, टेस्ट अवे ओडीआई होम और ओडीआई अवे, और रेट्रो जर्सी एक और आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर T20 के स्टाइल में, और ओडीआई और T20 का सेम जर्सी यहाँ पर। तो आपको फिर से यहाँ पर वही फॉलो करना होगा गाइस, यहाँ पर डाउनलोड करके डाउनलोड विद लोगोस दबा के जो मैंने ऑप्शन आपको इंटेंटी में दिखाई थी वही आप करोगे, और फिर से आप बैक जाओगे और यहाँ पर नेक्स्ट टीम हम ट्राई करेंगे न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को भी आपको सेम कुछ भी प्रोसीजर में चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट जाना है, नाम चेंज करना है न्यूजीलैंड अगर आपने डाल दी
तो बिगिन सर्च पे क्लिक करो। जैसे ही बिगिन सर्च होता है कम्युनिटी डाउनलोडिंग टीम्स ऐसे दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही आ जाता है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। गाइस अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन अच्छा खासा लग रहा है, आपको यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और थोड़ा सा मदद करो अपने भाई के लिए। तो गाइस अभी भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ कि आप गेम कैसा डाउनलोड कर सकते हो, वो भी देख लेना, ताकि आपको गेम खेलने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये रहा गाइस न्यूजीलैंड का नया वाला जो मतलब यहाँ का सारा लिस्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, न्यूजीलैंड का भी नया जर्सी यहाँ पर चेक करूंगा कि कौन सा वाला हमें चाहिए। तो गाइस जैसे ही न्यूजीलैंड का ये पेज लोड हो जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वाला ऑप्शन आपको जो मिलेगा, सैमी 9220 कुछ नंबर है इसका, तो आपको क्या करना है, ये 81 जो फिफ्थ ऑप्शन है आपका, सिक्स्थ ऑप्शन, तो सिक्स्थ ऑप्शन पर आप जाके एक क्लिक करोगे, आपको पता है क्या करना है, यूनिफॉर्म्स जाओगे और यहाँ पर T20 रेट्रो आप देख सकते हो, न्यूजीलैंड का नया वाला स्टाइल जो ये है न्यू। यहाँ पर केन विलियमसन खड़े हैं, ये रहा ODI, ये रहा टेस्ट, ये रहा इनका T20 पुराना वाला जर्सी था ये 2019 का, और ये रहा नया वाला ODI रेट्रो जर्सी, और इसके साथ ही साथ आपको मिल जाएगा T20 का 2020 जर्सी यहाँ पर केन विलियमसन को यहाँ पर खड़ा किए हैं। तो आप ये भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बैक जाना है, डाउनलोड पर जाना है, डाउनलोड विथ लोगोस जाना है और आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ऐसे ही आप सारे टीम्स के आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मतलब आपको कुछ डाउट है तो आप कॉमेंट्स में बताओ, मैं जरूर आपको हेल्प मदद करूंगा, वहां से मैं ऑन स्पॉट रिप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैं जिस ही मिनट में आपका कॉमेंट देख देता हूँ, तो मोस्टली 3-4 मिनट के गैप में मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। तो उसके अलावा गाइस मैं कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेक कर लो। और आज के वीडियो के लिए यही था गाइस, मेरे दूसरे वीडियोस भी चेक करो, साइबरपंक है, असैसिन्स क्रीड है, मैं क्रिकेट का भी डाल रहा हूँ, तो एक्चुअली सेकेंड टेस्ट का मैं कर नहीं पाया, थर्ड टेस्ट का मैं शुरू करने वाला हूँ, थर्ड टेस्ट का प्रेडिक्शन भी हम डालने वाले हैं। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चीयर्स, यू हैव अ ग्रेट डे गाइस, पीस आउट।